What are the structural isomer? Give the examples. Compound having the same molecular formula but different structure formula are known as structural isomer. तो जिसके सेम मोलिक्यूल के फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अगर उसका डिफरेंट डिफरेंट है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर. फिर से कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला. सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर नोन एज स्ट्रक्चर आइसोमर. तो स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ द ब्यूटेन यहाँ पे दिया हुआ है. तो ब्यूटेन ब्यूटेन का क्या होता है C4H10 यहाँ पे दिया हुआ है. तो C4H10 को आप नॉर्मली भी ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि CH3, CH2, CH2, CH3. ये एक नॉर्मल ब्यूटेन हो गया है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है. अभी H 3 है तो H यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे. तो देखो कार्बन है ना जहाँ पे, एक सिंपल फंडामेंटल याद करो कि कार्बन जहाँ पे भी है ना तो कार्बन के अगल बगल में चार बॉन्ड बनने चाहिए. तो इस कार्बन में 1, 2, 3, 4, तो ये एक H, दूसरा तीसरा. ओके यहाँ पे भी C है तो ऊपर नीचे तो एक एक हो गया. यहाँ पे C तो लेफ्ट साइड पे भी एक, राइट साइड पे. तो देखो 1, 2, 3, 4 इस कार्बन के लिए भी, 1, 2, 3, 4 इस कार्बन के लिए भी, 1, 2, 3, 4. अगर चार नहीं बन रहे तो चार बनने तक आप हाइड्रोजन को अरेंज कर सकते हो. देखो इस कार्बन में हमने 3 हाइड्रोजन अरेंज किए, इस कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन अरेंज किए. क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी जो थी 4 कंप्लीट होनी चाहिए, तो 4 नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ पे एक एक और एक तीन ही बन रहा था, इसलिए ऐसे करके हमने हाइड्रोजन अरेंज किया. तो नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन को आप डिफाइन करने के लिए ऐसे कार्बन की वैलेंसी 4 बनाओ तो आप नए नए स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला बना सकते हो. तो डिफरेंट जिसके मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रक्चर आइसोमर. तो ये ब्यूटेन का दिया हुआ है आपको ए नंबर. अब क्या करते हैं, यहाँ पे CH3 CH3 तो सेम है लेकिन यहाँ पे जो H2 था, CH2 उसको हमने इसके नीचे ले लिया. क्या? इसको हमने इसके नीचे ले लिया. और देखो अब इसको हम इसके नीचे ले आते तो अब हाइड्रोजन 1, 2 एंड 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी है तो यहाँ पे H2 आप नहीं रख सकते. 1, 2, 3 बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन बचा क्योंकि चार बॉन्ड, चार वैलेंसी चार करनी है. तो 1, 2, 3 हो गया तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ तक आ गए. तो अभी यहाँ पे H2 नहीं पुट कर सकते, आपको यहाँ पे H ही पुट करना पड़ेगा. क्या पुट करना पड़ेगा? H ही पुट करना पड़ेगा. और ये CH3 नीचे आपको दिया हुआ है तो इसका नाम क्या दिया है इन्होंने, ये नॉर्मल ब्यूटेन था और ये आइसोब्यूटेन हो गया. ये क्या हो गया? आइसोब्यूटेन हो गया. ओके तो ये आइसोब्यूटेन का नॉर्मली फार्मूला दिया हुआ है. देखो CH3 तो C के पास में 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे दिखाए हुए हैं. ये CH3 तो C के पास में 3 हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाए हुए हैं. CH तो यहाँ का H ऊपर दिखाया हुआ है और नीचे पूरा CH3 तो नीचे यहाँ से खींच के ये C तो C का C और H 3 थे तो ये 1, 2, 3 H आपको दिखाया हुआ है. ओके वैसे ही करके पेंटेन का दिया हुआ है CH3 CH2 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 CH3 ऐसे पेंटेन का दिया हुआ है. तो पेंटेन में क्या किया, ये बीच में से एक CH3 को नीचे डाल दिया, ये CH2 था ना उसको नीचे लेके आए. लेकिन मैंने क्या बताया, वैलेंसी तो 1, 2, 3 वैलेंसी हो रही है अभी इसकी, तो 3 वैलेंसी है तो H2 2 नहीं आ सकता क्योंकि 3 तो पहले से कंप्लीट है, एक ही एक आनी चाहिए. तो H2 का H हो गया तो 2 में से 1 बन गया और ये 3 वैलेंसी तो ये नीचे CH3 आ जाएगा. तो ऐसे करके आइसोपेंटेन, ऐसे करके आप नियोपेंटेन मीन्स नियोपेंटेन. और ये नाम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. ये नंबरिंग करो तो किससे छोटा पड़ता है, 1, 2, 3, 4 तो लेफ्ट साइड से छोटा पड़ता है क्योंकि राइट साइड से तो 1, 2, 3 आता है ना CH3. तो 1, 2 सेकंड नंबर पे है ये. तो सेकंड नंबर पे कार्बन कितने बचे अभी इसके अलावा, 1, 2, 3, 4 तो ब्यूटेन तो है ही लेकिन सेकंड नंबर पे क्या है, मिथाइल. CH3 को बोलते हैं मिथाइल. क्या बोलते हैं? तो 2-methyl butane. वैसे ही यहाँ पे CH3 ऊपर भी है और CH3 नीचे भी है तो 2-2 और 2 बार मिथाइल आया तो 2-2-dimethyl. और अब कार्बन कितने बचे, 1, 2, 3 तो 2-2-dimethylpropane. ये क्या हो गया आपका, 2-2-dimethylpropane. फिर स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन, तो हेक्सेन में 6 कार्बन तो यहाँ पे CH2 था तो उसको नीचे लेके आए हम ये CH2 को, तो ये CH2 का CH3 हो गया तो ये एक बॉन्ड से नीचे CH2 आ गया. फिर ये कितने कौन से नंबर पे जाता है, सेकंड नंबर पे, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो ये क्या हो गया, 2-methyl और ये 5 कार्बन तो 2-methylpentane. यहाँ पे 3 पे चला गया तो 3-methylpentane हो गया. अभी यहाँ पे CH3 दो बार नीचे उतारा तो 2-3 दो बार आया तो 2-3-dimethyl. अब कार्बन कितने बचे, 1, 2, 3, 4 तो ब्यूटेन. फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 पे है CH3 CH3 तो 2-2-dimethyl. कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4 तो 2
डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो क्या आ जाएगा, टू टू डाई मिथाइल ब्यूटेन। आप ऐसे किसी का भी अरेंज करके आप बना सकते हो, किसी का भी अरेंज करके आप बना सकते हो। तो ये हो गया स्ट्रक्चर आइसोमर, मीन्स स्ट्रक्चर अलग अलग लेकिन उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मीन्स ये ब्यूटेन है तो ये भी ब्यूटेन, ये पेंटेन तो ये भी पेंटेन है, ये हेक्सेन तो ये भी हेक्सेन है, लेकिन प्रॉपर्टीज उसकी अलग अलग हो जाएगी। ओके, ये हो गया आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर, ये हो गया स्ट्रक्चर आइसोमर।